जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हमदो सलगर। आप सबका टेक्निकल होमी चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि खाता बुक ऐप को कैसे मैनेज करें, वो भी सिक्योरली। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पे खाता बुक ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करना है। अभी तक इसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है और इसकी रेटिंग भी अच्छी है, 4.7 है। ये बहुत ही सिक्योर ऐप है। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। चलिए इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। आप जिस भी राज्य से हो, जिस भी कैसा भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग खाता बुक, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि मेरा डाल देता हूँ। यहाँ पे गेट अ पिन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आप और फ्री पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका शॉप का नेम या बिजनेस का नेम डालना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ होमी। यहाँ पे नाम लिखने के बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ये देखो दोस्तों, आपका खाता बुक सेटअप हो चुका है। यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पे आप जिसे भी उधार जा देना चाहते हैं, पहले आप उनका नंबर सेव कर लीजिएगा। जिसी का भी उधार लिखना है, यहाँ पे ऐड कस्टमर, इस पर क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है और कॉन्टैक्ट्स को अलाउ कर देना है। यहाँ पे ऐड कस्टमर, इस पर क्लिक करके आप किसी का भी उधार लिख सकते हैं, जैसे कि वे एक नंबर को सेव कर इसका, यहाँ पे यह नंबर सेलेक्ट करता हूँ। आपको आपको मिले है तो या हरे वाले आइकॉन पे क्लिक करके आप कितने मिले हैं ये लिख सकते हैं। आपने उधार दिया हो तो यहाँ पे रेड वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। मैंने उधार दिया है, यह रेड वाले आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। आपने कितने रुपए का उधार दिया है, यहाँ पे क्लिक करना है, लिखना है। मैं 5,000 लिख देता हूँ। यहाँ पे या कोई भी आइटम हो, उसका आप फोटो भी क्लिक करके यहाँ पे रख सकते हैं उस उधार खाते पे प्रूफ के लिए। मैं ऐसे ही सेव कर देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ट्रांजैक्शन सेव्ड। यहाँ पे उसको SMS भेज सकते हैं, तुरंत सेंड SMS पे क्लिक करना है। उसको मैसेज जा चुका है। और यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ रिमाइंडर क्लिक करना है और इसे शेयर कर सकते हैं, उसके व्हाट्सएप पर पैसे देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पैसे मिले हो तो यह हरे वाले बाजू के आइकॉन के क्लिक करना है और कितने मिले हैं यह लिख देना है। मैं 300 लिख देता हूँ। यहाँ पे उस पैसे का फोन भी फोटो भी लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे ही सेव कर देता हूँ। यहाँ कितने रुपए बचे हैं, यहाँ ऊपर दिख रहा होगा आपको, 4,700 रुपये बचे हुए हैं, यह हिसाब दिख रहा है। यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे रिक्वेस्ट मनी कर सकते हैं, किसी को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं पैसे देने के लिए, और पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं आपकी, यहाँ आपका बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, आप अपने शॉप का कार्ड बना सकते हैं। और यहाँ पे आपका नेम भी एडिट कर सकते हैं। सेटिंग में
आपको इसको लॉक कर दे, इस ऐप को लॉक करना है तो लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे पिन डाल सकते हैं कौन सा भी, जैसे कि मैं डालता हूँ, इसको लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खाता बुक या डिलीट खाते डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट खाता इस कर क्लिक करना है और आपका नाम भाग के आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको कई सारे खाते को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों यही था आज का खाता बुक का ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि खाता बुक आपको हम कैसे मैनेज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।